हेलो एवरीवन, क्लास 11th, सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, चैप्टर 3, पहाड़ी लघु चित्र शैली। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बची हुई 3 पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारी जो नेक्स्ट पेंटिंग थी वो थी नंद यशोदा और कृष्णा। नंद बाबा जो हैं, यशोदा और कृष्णा अपने संबंधियों के साथ वृंदावन को जाते हुए। ठीक है, ये पेंटिंग का नाम है। इसके चित्रकार हैं नैनसुख। माध्यम है प्रस्थ पर जलीय रंग टेम्परा। इसका जो समय है वो 1785 से 90 है। शैली इसकी कांगड़ा शैली है, और पहाड़ी शैली की जो उपशैली है कांगड़ा, ये उस शैली में बना हुआ चित्र है। सौजन्य जो इसका संग्रहालय है, जो इसका म्यूजियम है, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चलिए इसकी विषय वस्तु जान लेते हैं पहले, कि जो ये पेंटिंग है ये किस विशेष वस्तु को लेकर, किस विषय को लेकर, किस सब्जेक्ट को लेकर बनाई गई है। यह कलाकृति भागवत पुराण की एक कहानी पर आधारित है। इस दृश्य में नंद, यशोदा तथा कृष्ण अपने संबंधियों के साथ गोकुल से सफ़र तय करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। नंद, जो कि गांव का मुखिया है, को गांव के लोगों ने गोवर्धन पहाड़ी के पास वृंदावन जाकर रहने की सलाह दी। कंस का दरबार गोकुल के नज़दीक था तथा वह बार बार कृष्ण को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता था। कंस कौन था? वो कृष्ण का मामा था, परंतु लोग अपने भविष्य को बचाने वाले कृष्णा को सुरक्षित रखना चाहते थे तथा वे जानते थे कि कृष्णा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक भगवान का रूप है, भगवान है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जिसका विवरण है वो क्या है। यह कलाकृति लोगों के एक समूह को, एक ग्रुप को, उनके गाय बैल व अन्य सामान के साथ वृंदावन का सफ़र तय करते हुए दिखाया गया है। मतलब वे सभी लोग जा रहे हैं, उनके जो जानवर हैं वो भी उनके साथ वहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, नंद एक बैलगाड़ी जिसके ऊपर गुंबद के आकार का छाता है तथा जिसे दो बैल खींच रहे हैं और एक गाय चराने वाला चला रहा है, उस पर बैठे हैं। जो सबसे आगे वाली बग्घी है ना, उस पर नंद बाबा बैठे हैं। दाईं ओर एक रथ बाल कृष्ण को लेकर जा रहा है। कृष्णा के संग अन्य लोगों में बलराम, यशोदा व रोहिणी, उनका सौतेला भाई, उनको पालने वाली माँ तथा सौतेली माँ, पुरुष व स्त्रियों ने अपना सामान टोकरों व कपड़े की गठरियों में डालकर अपने सिर व कंधों पर उठाया हुआ है। इन सब के नम्र विनम्र व्यवहार का अनुमान इनके पहरावे को देखकर होता है। चलती हुई स्त्रियों के घाघरों में पड़े रूप वाली धारियां हैं। पृष्ठभूमि में दर्शाए गए भू चित्रों में एक वृक्षों की कतार है, जिसमें पत्तों व तने की बारीकी से चित्रित किया गया है। एक रास्ता भी दर्शाया गया है व इनके सिंग, चमड़ी व रंग व शरीर के अन्य भागों को भिन्न प्रकार से दिखाया गया है। इसकी रंग योजना कैसी थी? कलाकृति में दर्शाई गई रेखाएं पतली व कोमल है। इस कलाकृति में एक सूक्ष्मता का प्रभाव है जो कि इनके रंगों की वजह से है। ये रंग ना ज़्यादा चमकीले हैं और ना ज़्यादा भड़कीले हैं, बल्कि ये बड़े सजीव हैं। वृक्षों की कतार के पीछे आसमानी नीले रंग की नदी, हल्के मेरू रंग की जमीन व बैल, ये सभी प्राकृतिक रंगों में दर्शाए गए हैं, बल्कि बाकी सभी आकृतियां चमकीले रंगों में हैं। इस कांगड़ा शैली की कलाकृति का अपना एक भिन्न स्थान है, जिसका कारण है इस कलाकृति की पतली व कोमल रेखाएं व निपुण चित्रकार नैनसुख की रंग योजना। जो इस शैली का आर्टिस्ट था वो नैनसुख था। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जैसे पेंटिंग के बारे में लिखेंगे तो पहले जो ये 4-5 पॉइंट है, आप अगर इनको पहले डाल दोगे, लिख दोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है,
पहले जो ये डिस्क्रिप्शन है उसका भी और जो इनके मेन पॉइंट है उसके भी मार्क्स एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी दूसरी जो पेंटिंग है राधा कृष्ण दर्पण में देखते हुए, देखिए ये पेंटिंग देखेंगे आप सब लोग, मैं आपको इस पेंटिंग के बारे में बताऊंगी। पेंटिंग का नाम है राधा कृष्ण दर्पण में देखते हुए, चित्रकार अज्ञात हैं, मतलब चित्रकार का कोई पता नहीं है किसने बनाया ये पेंटिंग। माध्यम पृष्ठ पर जलीय रंग, काल गढ़वाल 1800 ईस्वी के लगभग, सौजन्य राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इसकी विषय वस्तु क्या है, यह कलाकृति जिसमें राधा व कृष्ण एक साथ दर्पण में देख रहे हैं उसको दर्शाती है कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तथा वे दर्पण में अपनी मधुर छवियां देख रहे हैं। अतः यह कलाकृति राधा व कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है, यह एक खड़ी चित्रकारी है, हॉरिजॉन्टल शेप में है ये, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। अग्रभाग में राधा तथा कृष्ण महल के छज्जे पर एक तख्त पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। कृष्ण के हाथ में एक दर्पण है जिसमें दोनों राधा तथा कृष्ण अपने आप को निहार रहे हैं, अर्थात देखते हुए दिखाया गया है। तख्त पर एक कालीन पीले रंग का बिछा है जिस पर लाल रंग के फूल बने हैं। कृष्ण के हाथ में दर्पण है और कृष्ण के सिर पर सुनहरा मुकुट है। तख्त पर दोनों ओर एक तकिया पड़ा है, राधा कृष्ण भी एक तकिए के सहारे बैठे हैं। ये सारा दृश्य महल के अंदर का दर्शाता है, अंदर का लगता है। सामने मध्य में एक फव्वारा बना है, तख्त के बाई ओर एक बैठी स्त्री है। बाई ओर वाली स्त्री मुड़कर कृष्ण तथा राधा को देख रही है, जिनके वस्त्र लाल भाग के हैं। तख्त के बाई ओर जो स्त्री बैठी है वह पीछे देख रही है। वे जो स्त्री दाई ओर बैठी है यह राधा का कृष्ण से कुछ हद तक आगे बैठी लग रही है। ऊपरी भाग पृष्ठभूमि का है, पृष्ठभूमि में आकाश व बादलों के साथ साथ हरियाली भी दिखाई गई है, आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में। अग्रभाग जो फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड अग्रभाग तथा पृष्ठभाग अलग अलग होने से चित्र में त्रिआयाम बनता है। पहाड़ी उपशैलियों में गढ़वाल की कला में गुलेर चित्रों की नैनाभिराम छटा और सौंदर्य दिखता है। महीन गति में रेखाओं से चित्र निखर कर बाहर आता है। इन गढ़वाल के चित्रों में प्रत्येक चेहरे के अपने अलग नाक नक्श है और हर मानव आकृति की अपनी अलग जीवन पद्धति है। ठीक है बच्चों, तो ये पेंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी एक पेंटिंग और रहती है, नृत्यरत शिव। चलिए आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में मैं आपको समझाती हुई चली जाऊंगी, ठीक है। देखिए जो ये पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम है नृत्यरत शिव, ठीक है। इसमें शिवा डांस कर रहे हैं, चित्रकार कौन है अज्ञात है, कुछ पता नहीं है उनका, ठीक है। माध्यम पृष्ठ पर जलीय रंग है और जो ये टाइमिंग है और किस शैली में बना है, ये पहाड़ी शैली की चित्र उपशैली चंबा का चित्र है, ठीक है। उसका टाइमिंग है 1780 से 90। सौजन्य राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का चित्र है। इसकी विषय वस्तु क्या है, यह एक बड़ा चित्र है, वर्टिकल शेप में है। इस चित्र की विषय वस्तु इसके शीर्षक से पूर्ण रूप से मेल खाती है, क्योंकि इस चित्र में शिव भगवान को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। भगवान शिव को उनकी शक्ति व नृत्य से जाना जाता है। इस चित्र में नृत्यरत शिव का शक्ति से भरपूर प्रदर्शन दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसका जो विवरण है पेंटिंग का, भगवान शिव मध्य में नृत्य कर रहे हैं, सेंटर में, बीच में बिल्कुल, उनके सामने नंदी उन्हें देख रहा है। चित्र में दोनों को सफ़ेद गुलाबी तथा सफ़ेद नीले हल्के रंग से बनाया गया है।
शिव के बाईं ओर नृत्य मंडली के सदस्य अपने अपने वाद्य यंत्र के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें लाल रंग से बनाया गया है। शिव के दाईं ओर एक स्त्री के साथ अन्य भी शिव को नृत्य को निहार रहे हैं। भगवान शिव ने शेर की खाल पहन रखी है। पूरे चित्र की अग्रभूमि को काले तथा गाढ़े नीले रंग में दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में हल्का नीला रंग दिखाया गया है, जो मध्य से कम तथा किनारों से अधिक नीचे को घूमता दिखाई देता है। चंबा के चित्रों में लाल और नीले रंगों की भरमार है। इन रंगों के कलात्मक चित्रण की मिश्रण की तकनीकी के मामले में चंबा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये पहाड़ी शैली अन्य पहाड़ी शैलियों में एकदम अलग है। चंबा कला में स्त्री आकृतियां अवश्य होती हैं, जो चंबा के लघु चित्रों की अलग पहचान देती है। इस शैली में एक स्त्री का चित्रण इसका प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी इसमें 5 और 6 पेंटिंग थी जो मैंने आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन की है। आप सभी बच्चे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, पेंटिंग को ऑब्जर्व करेंगे, पहले पेंटिंग को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आप बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद आप इसको जो चीज़ें इसमें रह गई है उन पेंटिंग को अपनी कॉपी पर लिख करके देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।